आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश में होने वाले उप चुनाव को लेकर क्या कहता है जनता का मन, कमेंट के आधार पर ये सबसे ताजा आंकड़े आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर क्या कहता है सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषण ओपिनियन पोल। क्या भाजपा की होगी जीत या फिर कांग्रेस की होगी वापसी, इस पर क्या है जनता का मन, इस पर आपको सटीक आंकड़े यहाँ पर दिखाते हैं। बता दें मध्य प्रदेश में 230 सीटें आती हैं और 116 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है, लेकिन वर्तमान में किसी के पास 116 का आंकड़ा नहीं है। और लॉस्ट टेस्ट के दौरान बीजेपी ने जो है अपना बहुमत साबित किया था। इसके आधार पर वर्तमान में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार है, लेकिन अब कहीं ना कहीं शिवराज सिंह सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का साफ तौर पर शिवराज सिंह पर निशाना है और सीधे तौर पर उन्होंने इस्तीफे की मांग शिवराज सिंह चौहान से कर दी है। जहां दोस्तों औरंगाबाद ट्रेन हादसे पर अब सियासत जो है वो गर्मा चुकी है और कहीं ना कहीं अब यहां पर पूर्व सीएम यहां पर दिग्विजय सिंह ने मांग रखी है 16 मजदूरों की, लिए उन्होंने सवाल पूछे सरकार से और साफ तौर पर कहा है उमरिया शहडोल मंडला जिले मध्य प्रदेश के 16 मजदूर ट्रेन से कुचल कर मार गए। मैंने कल ही शिवराज सिंह चौहान से प्रश्न किया था, इन मजदूरों का पंजीयन हुआ था, यदि हुआ था तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या इंतजाम किए थे, हकीकत कुछ बचे हुए मजदूर थे। सुनिए इस तरह के कई ट्वीट यहां पर दिग्विजय सिंह ने किए हैं। एक ट्वीट में साफ तौर पर उन्होंने यहां पर संकेत दिए हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार यहां पर जल्द अपना इस्तीफा दे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने यहां पर ट्रेन हादसे के बाद त्याग पत्र दिया, उसके बाद माधवराव सिंधिया जी ने भी हवाई जहाज दुर्घटना पर त्याग पत्र दिया, तो क्या शिवराज सिंह को भी यहाँ पर अपना त्याग पत्र देना चाहिए? तो ये बड़ा सवाल शिवराज सिंह सरकार से दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर पूछा है। लेकिन मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर भी अब जो है सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है और रणनीति जो है अब ही से जो है स्टार्ट हो चुकी है कि आने वाली 24 सीटों पर क्या कहता है चुनावी विश्लेषण। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो सिंधिया समर्थक 22 जो विधायक थे उनकी दम पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार ने तो बना ली, लेकिन फिलहाल जो मंत्रिमंडल है अब तक पूर्ण रूप से विस्तार नहीं हुआ है और उसके कहीं ना कहीं विस्तार में देरी का कारण सबसे बड़ा ये है कि क्या बीजेपी अपने जो विधायक उनको मनाने के साथ साथ दिग्विजय सिंह या फिर कह सकते कांग्रेस समर्थक जो है उनको क्या कुछ मिलता है। लेकिन फिलहाल जो अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव 2018 के क्या अंक थे, बीजेपी 109, कांग्रेस ने 114 सीटें हासिल की, BSP 2, SP 1 और अन्य जो निर्दलीय थे उनको 4 सीट यहां पर हासिल हुई, जिसके दम पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली, लेकिन इसके बाद पूर्ण बहुमत नहीं था जो आज भी यहां पर साबित हुआ है। वर्तमान की अगर स्थिति बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 106 है, एक विधायक जो है वो फिलहाल ऐसे है जो कह सकते हैं कि किसी के पाले में जाएंगे कहना काफी मुश्किल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें तो 92 का आंकड़ा है और निर्दलीय 4, 2 बहुजन समाज पार्टी और 1 समाजवादी पार्टी के पास है। लेकिन अगर यहां पर आंकड़े आपको दिखाए तो भारतीय जनता पार्टी जो प्लॉट टेस्ट फिलहाल हुआ था उसमें जो कह सकते हैं कि निर्दलीय और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी का आंकड़ा देखें तो अब फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो आंकड़ा 112 का है, कांग्रेस के पास जो है 94 का है जो निर्दलीयों का अन्य का समर्थन उसके आधार पर। लेकिन अगर यहाँ पर आंकड़े देखें, क्योंकि अगर यहाँ पर मंत्रिमंडल नहीं मिलता है और ये निर्दलीय जो BSP सपा है अगर वो बीजेपी से छटक जाते हैं, उसके बाद देखिए क्या बीजेपी को इन 24 सीटों में से 10 सीटें चाहिए, तब जाकर वो 116 के आंकड़े तक पहुँच सकते हैं। अगर यहाँ पर जो अन्य का समर्थन अगर मिल जाता है और जो पहले जो लॉस टेस्ट के दौरान 112 का आंकड़ा उन्हें मिला हुआ है अगर वो साबित कर देते हैं और तो यहाँ पर बीजेपी को सिर्फ 4 सीट ही चाहिए अपनी सरकार बचाने के लिए। भाई कांग्रेस की अगर बात करें तो 92 का अपना आंकड़ा है और 2 निर्दलियों का यहां पर आंकड़ा है, अगर वो आंकड़ा मिला दिया जाए तो 22 सीटें उनको चाहिए। अगर जो निर्दलियों का समर्थन उनको नहीं मिलता है फिर 24 की 24 सीटें कांग्रेस को चाहिए, तब जाकर वो अपनी सरकार में वापसी कर सकते हैं। तो ओपिनियन पोल के आधार पर कितनी सीटें 24 सीटों में से जा सकती किस पार्टी को, इसके आंकड़े भी कुछ निकले हैं जो कमेंट के आधार पर सर्वे किया गया, उसमें देखिए आप MP में उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है। बीजेपी 35% लोगों का मानना है, कांग्रेस 63% लोगों का मानना है। साफ तौर पर ये आंकड़ा क्यों निकल रहा है, क्योंकि जो 22 सीटें हैं वो कांग्रेस ने जीती हुई थी
और इस बार फिर कांग्रेस दावा रख रही है कि 22 सीटें वो आसानी से जीतेंगी और दो जो पहले से खाली सीटें थी उस पर भी वो अपना कब्जा कर पाएंगे। अगर अन्य का जो निर्दलीय उनका समर्थन कांग्रेस को मिल जाता है तो फिर कांग्रेस की वापसी हो सकती है। क्या मध्य प्रदेश उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जादू चल पाएगा, क्योंकि जो 24 सीटों में से 16 सीटें जो हैं जो ग्वालियर चंबल से निकल कर आती हैं, जो कि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का गण मानी जाती हैं, तो साफ तौर पर कहना ये होगा उस पर क्या जनता का मन है। जो कहते हैं लोग कि उनका यहाँ पर जादू चल पाएगा 35%, जबकि 65% इसको नकारते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, फिलहाल के आंकड़े जो है कमलनाथ सरकार के लिए 70% लोगों के कमेंट हैं और शिवराज सिंह सरकार के लिए 30% लोगों के कमेंट हैं। लेकिन क्या कहता है जनता का मन इस पर देखिए कि 6 पूर्व मंत्रियों में से 5 मंत्रियों की हार हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस से वो जीते हैं और अब फिर वो जनता के बीच यहाँ पर वोट मांगने जाएंगे तो जनता कहीं ना कहीं उनको नकार भी सकती है। इस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं, ऐसी खबर यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। कई बड़े निश्चयों ने अपना यहाँ पर एग्जिट पोल ओपिनियन पोल दिया है। 4 सीटों पर कड़ा मुकाबला हो सकता है, इस पर भी जो है कमेंट के आधार पर आंकड़े निकले हैं कि कई ऐसी सीटें हैं जिन पर कड़ा मुकाबला तो होगा, लेकिन 4 प्रमुख सीटें होंगी और यही 4 सीटें तय कर देंगी कि मध्य प्रदेश में क्या कमलनाथ सरकार की वापसी होगी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी, इस पर क्या कहता है मन। अब बात करें तो 24 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं, अगर बात करें तो बीजेपी को 10 सीट यहाँ पर जा सकती हैं और बीजेपी को 10 सीट चाहिए वो अपनी सरकार को बचाने के लिए। साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ सरकार के लिए उपचुनाव काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। एक तो अपनों को मनाने के साथ साथ 24 की 24 सीटें उनको चाहिए अपने दम पर अगर मध्य प्रदेश में एक बार से सरकार बनानी है। वही बीजेपी को काफी कम यहां पर सीटें चाहिए। अगर उनका जो समर्थन है अन्न का वो अगर चला भी जाता है तो बीजेपी को इन 24 सीटों में से 10 सीटें ही चाहिए तो वो अपनी सरकार बचा पा लेंगे। तो भाई कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 14 सीटें यहाँ पर आ सकती है। वही अगर बात करें तो कांग्रेस के पास बहुमत आंकड़ा प्राप्त करने के लिए 24 की 24 सीटें चाहिए जो कि 10 सीटें कम पड़ जाती हैं। अगर इसके आंकड़े अगर देखा है तो 7 जो निर्दलीय हैं अगर वो कांग्रेस के साथ आ जाते एक बार फिर से तो फिर जो आंकड़ा है वो मात्र 3 सीटों का ही अंतर रह जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ ऐसे विधायक हैं बीजेपी के जो अगर उनको यहाँ पर मंत्री पद नहीं मिलता है, कई ऐसे विधायक जो 3 या 4 बार जीत कर आए हैं और वो दावा रख रहे हैं कि इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, तो फिर भी अगर नहीं मिलती है तो फिर कांग्रेस के पाले में मंत्री पद को लेकर वो वापसी कर सकते हैं। इसके बाद बीजेपी सरकार भी गिर सकती है मध्य प्रदेश के अंदर, ऐसी खबरें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं। क्योंकि तो अगर मंत्रिमंडल बैलेंस रूप से तैयार नहीं हो पाया तो फिर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार का भी खतरा आ सकता है, ऐसी खबर है। लेकिन क्या कहता है आपका मन, मध्य प्रदेश में इन 24 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और किस पार्टी की बन जाएगी सरकार, क्या कमलनाथ सरकार की वापसी होगी जो कि दावा रख रहे हैं कि बहुत जल्द उनकी वापसी होगी, या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी, आने वाले समय में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, इस पर अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया रखिए। और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम तक मिलता रहे।